नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु निवेदिता दर्शक बंधु पुरी रु लज्जा अर्थात ए लज्जा वाटी नीतिदिनिया होय गलाणी आपण माने जानिथिबे राज्य तंबाम अनेक अंचल रु सबुबेले एभळी चित्र सामना को आसुछि जे दुष्कर्म मामला सामना को आसुछि तबे बडो प्रश्न आसुछि एथरे किभळी ब्रेक लागिबो काहेकि ना जदि कहबा जे राज्य रे कोनोसी नारी वर्तमान सुरक्षित नांती से शिशु होंतु किंबा छोट पिला हुवंतु केमिति कि महिला हुवंतु समस्त आज असुरक्षित ए प्रश्न सेतेबेले आसुछि जेतेबेले गोटिए परे गोटिए दुष्कर्म मामला सामना को आसुछि ए सबु भितरे आपण माने जानिथिबे जे गतकाली जंभळी बाबे पुरी रु एभळी एक संवेदनशील चित्र सामना को आसिला जा रहिछि पुरी जिला गोप थाना अंतर्गत परण ग्राम रे जणे नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम चित्र सामना को आसिछि एवं अभियुक्त नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम करबा सहित मरणांतक आक्रमण करथिले जेउति पई ताको बड़ डाक्टरखाना रे भर्ती करा जाइछि तबे कोन घटेथला प्रकृत रे तांको सहित से दिन पूरा घटना कोन थिला आसंत आपरे नजर पकाइबा गाँवर अभय भुइयां पूर्वरु बहुबार दुर्व्यवहार करबा सह दुष्कर्म करछि एथिरे तार मां बापा भौणी समस्त मिसछन्ते 14 तारीख दिन रविवार रे दिन 2टारे मु एकुटिया थिबा बेले आसी मो सह दुष्कर्म करछि मु पार्टी करिवारु पीढ़ा पटरे मो मुंड को जोर पेटी देछि तार मां बापा समस्त सामिल अछन्ते धमक भी देछि घरे कहा को कोन कहिबु कि कोन करिबु ताहाले तोर घर लोक समस्त को मारि देबे आगुरु मध्य मते बहुत थोर बाड़ेछि मु भय रे कथा कहा को कहि पारिनि मु से दिन साहस करी पार्टी करिवारु पीढ़ा पटरे मो मुंड को पिटी दौड़ी पळाइथिला देबे आपण माने जो कथा सुनुथले जो आमे जो रिपोर्ट प्रस्तुत करथिलु आपण जा सुनुथले ये होउछि पीड़ितांको बयान आमे सीधा सळको जदिओ आपणको पीड़ितांको बयान सुनै परुनाथी तेनु पूरा तथ्य आमे आपणको निकटरे रखुथिलु जे किभळी भाबे जे अभियुक्त जा ना सामना कसुछि अभय भुइया जे सिए किभळी भाबे बलपूर्वक तांको दुष्कर्म करछि ए थर गोटिए थर नुए पूर्वरु अनेक थर मध्ये एभळी प्रयास से करिछि एवं जदि तु मुह खोलु ताहले तो परिवार को मारी देबी एभळी धमक चमक मध्ये पीड़िता को दिया जाइछि या सहित जा पीड़िता अभियोग आनी जे केवल अभय बयान नुए तांको पूरा परिवार एथरे सामिल अछंती तांको बापा मां सब कथा जानी आउ बारंबार या धमक मिलुथला जदि तु मुह खोलु तेबे तो परिवार लोकंकु मारी देबी तेबे पीड़िता जणक ए सबुर चापरे आसी जे चुपचाप रहिथिले एवं जेतेबेले ए घटना सामना को आसिला बारंबार तांको सतो एबळी घटना घटला से सोर उठाइले तांको मध्ये आक्रमण करा जाइछि मरणांतक आक्रमण करा जाइछि वर्तमान तांको स्थिति कोन रहिछि से वर्तमान मेडिकल अछंती जेमळी बाबे गतकाली आमे आलोचना करथुले जे तांको गुरुतर रहिछि तांको स्वास्थ्य अवस्था तांको परिवार लोकंक रिएक्शन सामना को आसुछि जे किभळी बाबे तांको सतो कोन घटितला अभियुक्त नारे से एफआईआर मध्य करिछंती जे घटना को पाखापाखी बहु अनेक समय बीती गलानी किंतु एपर्यंत कार्यानुष्ठान केते बाट गलानी अधिक आलोचना करिबा ए बाबद रे पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ी चंती आलोक गतकाली मध्य संपर्क रे आमे आलोचना करथले आपण ताको संपर्कियों को रिएक्शन छोड़ाउथले ए घटना समस्तिं को चिंतित करिबो व्यथित करिबो जे काहे कि आम राज्य रे एभली गोटिए परे गोटिए घटना घटुची एवं ए जो चित्र सामना कसुची आलोक आपण ठारु जानिबा को चाहिबी जे पीड़ितांक स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान किभली रहिछि निश्चित निवेदिता जो कथा आपण कहते निहाती भाव में घटना समस्त को चकित कर चिंतित कर व्यथित कर गत 14 तारीख अर्थात रविवार दिन गोप थाना अंतर्गत परला ग्राम से नाबालिका पीड़िता को सीधा सड़क अभियुक्त कहींपर जी अभियुक्त रही अभिमन्यु भुइया दुष्कर्म करते जहाँकि नाबालिकार परिवार लोक रविवार दिन अर्थात 14 तारीख दिन गोप थाना एने मामला रुजू करते आम कहींपर वर्तमान दुष्कर्म कर अभोग दुष्कर्म कर सीधा सड़क मरणातक आक्रमण करबालिका पीड़िता जी रही मुंडे शक्त आघात लगी जहाँफल से बर्तमान पूरी सदर मुख्य चिकित्सालय गभीर आघात पाई बर्तमान चिकित्सित होती आ निश्चित भाव में एक कथा बर्तमान समस्त महल में आलोड़न सृष्टि करण आप जानते जो भाई भाव राज्य में दिनक दिन नाबालिका दुष्कर्म होती भाव में राज्य सरकार शिशु मान प्रति हूँ महिला मान प्रति हूँ नारी मान प्रति हूँ सुरक्षा दिग उपर गोटे विराट धरण प्रश्नवाची सृष्टि होने कहीपर निवेदिता पूरी पुलिस यह गुरुतर सहित नहीं गंभीरतार सहित नहीं कारण गत काली पूरी एसपी जी रही के विशाल सिंह तक आम प्रतिक्रिया आनी सी सीधा सड़क कहते आडिशनाल एसपी को तदंत भार दि जाइए गोप थाना आईआईसी और निमापड़ार एसडीपीओ मिसिकी तदंत करता आज जहाँ सूत्र खबर आँचुची जो अभियुक्त रही अभिमन्यु भुइया
ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାରଣ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତ ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର 72 ଘଣ୍ଟା ଘଟିଲାଣି, ଗତ 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଗୋପ ଥାନାରେ, ରବିବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସର ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି, ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବୟାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ନାବାଳିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକଉଥିଲେ, ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଛି ବଖାଣିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହୁଛି, ନିନ୍ଦନୀୟ ରହୁଛି, ଲଜ୍ଜାଜନକ ରହୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁର ଯେଉଁ ହୀନ ମାନସିକତା, ସେ ହୀନ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିରୀହ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନିବେଦିତା 448, 354, 506 ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ନିବେଦିତା ପହଞ୍ଚୁଛି, କହିପାରିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୂୟାଙ୍କ ସମେତ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ନିବେଦିତା ନିହାତି ଆଲୋକ, ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଲୋକ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆମ ସହିତ ପ୍ରୀତିଚନ୍ଦା ଧଳ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ କେତେ ଥର ଆମେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଥମିବ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି, ଏହାର ମାନେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ ଦେଖାଯିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ରହୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଗୋପର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆମର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଯେଉଁଟା ତା'ର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 93% ଏକଦମ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଛି ଗାଁରେ, ଇଏ ଯେ କାଲି ଖାଲି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିକି କରିସାରିଲା ପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁବାର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୋଲିସରେ ଯଦି ଯାଇକି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଯେ ନିଜ ଚିହ୍ନା ପରିଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗୋପର ଏଇ ଝିଅଟି କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କାରଣ ସେ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସଦାଚରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଗ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇକି ସେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଫଆଇଆର ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ 4 କେସ୍ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଛି।
तबे जो कन्विक्शन रेट रही जो दंडविधान व्यवस्था रही आपण को कौन लगुच गोटे कठोर दंडविधान आवश्यकता रही जो थे कि जो मैंने दुष्कर्म करें भय करेंगे एभली कार्य करने पूर्व शहे थर चिंता करेंगे। देखु पक्स आईन तो आमर रही कौली भाव में आप एफआईआर दाखल एफआईआर दे सारापर ताकूर केमी कार्यकारी करपर जहाँ भी हम कि जो ता भितर जो रही जाइए गैपटा आमर जी मात्र यही सब घटना को लेकिन गोटे मानने फास्ट ट्राक कोर्ट करवा कि जहाँ करवा से सबूर मानने व्यवस्था एपर्तंत ठीक से हो पारिना बहुत गुड़े जिनस अनाउंसमेंट रही जाइए आईन रही कि आईन भितर जे केते गुड़े जिनस जहाद्वारा पीड़िता हो सेमाने पाई परिवे सुविधा से विषय में पीड़िता किंबा पीड़ितार परिवार अवगत नाहंती आउ जेते बेले आपण कहउछन्त अभियुक्त अभियुक्त मानंग मनरे ते निश्चिंत भाबरे माने जो प्रकार अमर एबे जो आईन रो व्यवस्था अछि ताकू देखिबा को गला अभियुक्त अभियुक्त मानंग मनरे भय पसिबार कौनसी प्रकार आग को संभावना ना कारण जेते बेले आमर रहूची माने गोटे घटनाटे जेते बेले सामना को आसुची सेतिर गोटे बहुत बड़ रोड रही था सब बड़े पुलिस कर पुलिस देखिए केते गुड़े घटन से कार्यानुष्ठान विलंब एवं तदंत तो माने लेट लेट्रे टे प्रोसेस होता है जितेबाला पीड़िता जाए जिते बड़े पुलिस स्टेशन जे नाई अभियुक्त यही घटना घटे कि तो पुलिस से जिनस को गुरुतर सह नहीं न थाए आईन एवं आम को जो रक्षाकर्ता समाज जो रक्षाकर्ता भाव में जो मध्यमटा साजी थाए पुलिस ये दुईटा भितर कौन प्रकार गैप रही जाऊँगी जोटा कि अभियुक्त मान आहरी साहस दौड़ी अपराधिक घटना घटेबापी कहवापी चाहे जे मानसिकतार गोटे परिवर्तन दरकार किंतु से मानसिकतार परिवर्तन भितर गोटे निहाती भाव कड़ा आईन दरकार रही जोटा कि कड़ा आईन सांगे तुरंत कार्यानुष्ठान जमती कि आमर यार आंध्र प्रदेश आमर जो दिशानामी जो महिलाटी दिशानामी जो झीर गैंगरेप होता ता दिशा बिल नाम गोटे से गोटे गृहत होता जे जहाँ भी रिपोर्ट दिजिव तार मानते सब शुणा एक दिन भितर हो दिशा बिल पारित करूँ आम जदि एवं देखा से दिशा बिल को आज की एत दिन घटना सेगला किशार क्रमगत भाव बढ़िबारे लगी नारी निर्यातना तो बढ़िबारे लगी महिला दुष्कर्म तो बढ़िबारे लगी विशेषकर नाबालिका मान क्षेत्र में जितेबाला नाबालिका मैंने जितेबाला जौन शोषण शिकार होते से कौन से प्रकार आईन आमर ये सरकार तरफ गोटे आंतरिकता आसुना जी कि गोटे कड़ा कार्यानुष्ठान गोटे आईन करता जहाद्वारा कि यहाँ मनरे गोटे भय आसता आ सब मेन जिनस रोच सरकार आमर ये व्यवस्था भितर गोटे माध्यम गोटे रही जोड़ा मुझे प्रथम कहना चाहिए पुलिस से ही माध्यम टी आउ टे सुदृढ़ हो पारंता मुझ कहूना जो सब जगह सब पुलिस अफिसर मानने चिंताधारा हो कि कार्यशैली हूँ एक ता नुहे बहुत पुलिस अफिसर अच्छे अनेस्ट पुलिस अफिसर अच्छे से सो मोट आसती पीड़ितार परिवार को साहय करने पीड़िता सहयोग हाथ बढ़े था कि बहुत क्षेत्र में मध्य अच्छे पीड़िता कथा शुणी ना पुलिस माने तो राज्य सरकार जितेबले से विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग दे एवं विभिन्न प्रकार जिनस सब से पुलिस को लक्ष लक्ष टा खर्च कर ट्रेनिंग मध्यम जे चाकरी समय मध्य कौली भाव में ये प्रति आपणकर व्यवहार रहा जहाँ भी आपण को सहयोग हाथ बढ़ियापी जहाँ जहाँ सब ये र किंतु ता परवर्ती अवस्था रे ए सब जिनस रे कोनोसी फल देखा माने सुफल मिली न थाए तेनु कहबो बोले आईन संगरे हम समस्त कर गो घटना को हम आलोचना को नियंती तबे घटना रे जा पीड़िता को बयान सामना को आसुची जे पूरा घटना विषय रे जे अभियुक्त रहिछंती तांको परिवार लोके अवगत अछंती ए गोटिए तरह नहे अनेक बार अभियुक्त जण को एभली प्रयास करिछि तांको दुर्व्यवहार करिछि एवं सब बड़े धमक चमक दिए जदि स्वर उठाओ तो परिवार लोक को मारी देव ये अनेक धमक चमक दि जाए था तबे मैडम आम जानते भूल करिबा एवं भूल को प्रश्रय देवा भूल करिबा जी बड़ अपराध भूल को प्रश्रय देवा से बड़ अपराध पर लोक क्षेत्र जदि कह घटन पर लोक भूमिका को आज कि देखुं बापा माँ जदि ये घटना को प्रश्रय देवे आम क्या दायी करवा
अपराध घटिले अपराधी तो सी गोटे बड़ माने सी तो अभियुक्त सी घटे थाए किंतु तार जो परिवेश भितर मध्ये जो माने रही थांती एवं से जिनस को साइलेंट सपोर्ट भाबरे से माने ताकू साइलेंट भाबरे सपोर्ट करी थांती से माने मध्ये अभियुक्त संगरे सती की से माने दाई कारण मु आपन कहली जे समाज रे किछि मानसिकता रे लोक माने रही थांती जते बडे से माने मध्ये किछि बाहरी आसे नांती आ मु मध्ये पीडितांकर परिवार को कहबी जेहेतु पीड़ितांकर प्रति यही होता तांको परिवार मध्य जानी थिले से माने मध्य चुप होकर रही थिले हुए तो निकटस्थ स्थान को जाइछंती ना नहीं से विषय आम तो जानिने तेणु से विषय कौन से प्रकार मत दे पारा ना जदि जाइछंती भी से जगह कहीं पुलिस नहीं नहीं आक्शन नहीं किंबा जदि जाइना कहीं जदि आपण झील प्रति यही जड़े आचरण करी पर आपण को आहरी हईराण करने आगक आसी तो से ही जगह आपण मैंने चुप होकर बसी रहा कथा नुहे कारण आमर जोटा गोटे आईन रही आपण को जो कौन प्रकार धमक मिलू कि असदाचरण शिकार होवा कौन से दुर्व्यवहार शिकार होती आपण तो निकटस्थ थाना जाए अभोग करें तो ये जदि अभियोगटा जदि देखते टी मूल जदि आम पीड़िता किंवा पीड़ितार परिवार जदि स्वर उत्तोलन करते आज हे तो एत बाट जाए घटना जा न था प्रथम रु ही तार अपराध को जी अपराधी परिवार जी प्रशय देखते पीड़ितार परिवार यू सही करते रही जाइंट डर हो कि जहाँ भी हो तो परिस्थिति आज यही आसिक पहुँची तो निहाती भाव जितेबाड़ कौन से जगह आपण प्रति दुर्व्यवहार होवा असदाचरण आपड़ जितेबाला शिकार होती तो से आटलिस्ट स्वर उत्तोलन करूँ से आटलिस्ट आखपाखे क्या जनातु कि ना पुलिस स्टेशन में जनातु जिनसटा तो या द्वारा आपण कि ना गोटे सुरक्षा तो मिल पार आपण को किसी ना गोटे अभियुक्त मनरे तो गोटे भय आसपार तो से जिनटा तो निहाती आम पक्षर ही रहा दरकार पीड़िता हो कि पीड़िता परिवार एवं आउ जो क्वेश्चन टी आपड़ कले जी अभियुक्त सी जिते दुष्कर्म कर अभियुक्त पूरा परिवार या मानने समर्थन करुँचे तो निहाती भाव से अभियुक्त सांगे से अपराध में सामिल रही तो दंड विधान तो निश्चित भाव से रही किंतु एवं देखते परिस्थिति एवं कौन अच्छी झीओं मानने से नाबालिका अवस्था संकटापन्न तेणु मानने कौन रही सी डब्ल्यू सी बाला जो रही परिस्थितर कौन मानने ये कर तदंत करके जगह को जाकि कौन तार ये रखुच्च से आम आगे देखा पड़ा तेज मैडम गोटे कथा कहीं आजिकल जुवपीढ़ी मानसिकता कहीं आसूरी जो कहीं जन को देखा पर अर्थात आम जानते अनेक मामलें एया चित्र सामना को आसे आपण जो भाव कहते 93% जो मैंने निजस्व लोकों ठारे एक भली घटना सामना को आसुची जे निज परिवार सदस्य हूँ निज पड़ोसी हूँ निज गाँव कौन व्यक्ति हूँ एभली चित्र सामना को आसुची कहीं जुवपीढ़ी मध्य जुव समाज मध्य कहीं मानसिकता आसुची मानसिकतार किभली परिवर्तन आसिब एवं ए घटना को ब्रेक लगा जाय पारिब कतारे परिवर्तन आसीबापाई समय लगे आम खाली ये बसिक आलोचना करदे कि मानसिकतार केबे परिवर्तन आसले कहीदे हम ना तापाई गोटे आपण को ग्रास रूट लेवल गोटे काम करने को पड़ो जो आजिकल जुवगोष्ठी मध्य देखा जाए सबुठ बहु जिनस हूँ आम जो हाथ पहांत गोटे स्मार्टफोन रही आम मुझेपरि ना स्मार्टफोन रे बहुत गुड़े आम स्मार्टफोन धरले जे गोटे अबाट को चली जा नुहे किंतु बहुत यही मानसिकतार लोक अच्छा जो मैंने स्मार्टफोन द्वारा से तार सदुपयोग न करके तार दुरुपयोग बहुत अधिका करुँच जो घटना गुड़िक आम देखिले या पूर्व देखी आसचे तो अपराधिक वातावरण एवं अपराधिक मानसिकता से गोटे माने से गोटे आरंभ होता है आपण विभिन्न प्रकार कारण को लेकिन आम पर्टिकुलर कौन से गोटे जिनस स्ट्रेस देकिनि यही कारण बोली कारण आपण से गाँव में तो पुणी आउ चारिटा पिला भल थे तो भितर तीन टा पिला कहीं किंबा दीटा पिला कहीं अपराधिक मामलें से माने रोचे तो से बापा माँ बहुत गुरुदायित्व रही देखुं ये जो घटनाटी आम देखिले ये देखते ए तो एत समय हो गला ये आम देखुचे अभियुक्त पर मानने साय्य कर समर्थन दे जो जगार आपणकर से पु हो पचे कितु जदि गोटे सामना आपणकर चिन्हपरिचय जन झी को से असदाचरण करसम्मान करुँचे आज एत बाट जाए कहीं कथा जाइए प्रथम रु ही जदि ये जिनसर समाधान करता प्रथम रु ही जदि बापा माँ भितर से जिनसटा आसी था जे नाई
पुओ तू गोटे बहुत माने भूल जिनस करूछु ए भूल जिनस को हमको तते बंद करबा को पड़िबो त बापा मांग मन रे ए जिनसटा आसीबा दरकार जे पुओर पुओ जहा करूछि सेटा गोटे अपराध सेई भूल टिकु जदि से माने स्वीकार करके आगे आस्तांते आज ए जियोटी रो अवस्था एभली हेइ नथा एवं से आज मृत्यु संगे संग्राम मध्य एथिरे गुरुदायित्व रहूछि जे किभली भाबे पिला को समर्थन करबा परते समर्थन करबा परिवर्ते ए विषय रे निजे तांको बुझांतु एवं घटना सामना करंतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति छंदा धळ समाजसेवी आम सहित जोड़े बाबद आलोचना मध्य करते अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्य से रखुते जे ये मानसिकता कहीं सामना को आसूची और जो दंडविधान व्यवस्था रही आते कठोर दंडविधान एबार आवश्यकता रही है जड़े अपराध करने पूर्व शहे थर चिंता कर कम से कम ए बाबद आलोचना करने पुणे आलोक आशुतोष जावाक चाहिए आम पूरी प्रतिनिधि ए बाबद लगातार भाव आम आलोचना करोक जे आप जहाँ सूचना देते बर्तमान बापा माँ को पुलिस आनी पचरा उचरा कर घटना को 72 घंटा बीतीगला आलोक गत 14 तारीख रविवार दिन घटना 17 तारीख हो गला जे बर्तमान सुधा एया कार्यानुषान बापा माँ को पचरा उचरा कर पीड़िता पर अभियुक्त ना सीधा सड़क सामना को आसुचे समय लगे अभियुक्त निकट में पुलिस को पहुँचवाप आलोक देखो निवेदित आप जो कथा किसी समय पूर्व आलोचना करते भूल को भूल करवा जीक अपराध भूल को प्रशय देवा सेक अपराध कारण निर्दिष्ट भाव से एफआईआर उल्लेख रही बापा माँ मैं प्रशय देखा बापा माँ का जानत रही तो जहाँ प्राथमिक सूत्र सूचना आसी पहुँचुची अभियुक्त बापा माँ को पुलिस उठे नहीं कि अटक रखी और अधिक पचराउचरा जारी रखी निवेदित आम को बुझा पड़ूना जी अभियुक्त अभिमन्यु भूं हूँ कि अनेक जुवपीढ़ी हूँ जो मैंने कार्य लिप्त रोचान से मैंने विकृत मानसिक हिना मानसिकता एवं किभली भाव कामाशक्त हो जाती अति निरीह नाबालिका मानक दुष्कर्म कर धर्षण करश्चित भाव में याठ बड़ संगीन अभियोग किसी ना कि आम कहीपर नाबालिकार अवस्था संपूर्ण रूप गंभीर रही आप जो कथ पचारे 72 घंटा होगा पुलिस हाथ कौन पर खोली खाली रही तो निश्चित भाव में 72 घंटा होगा पुलिस हाथ तो खाली रही है कि बापा माँ को अटक कर पचरा उचरा जारी करपटे पूरी पुलिस कितु प्रतिक्रिया रखिंट खूब शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार जेहेतु बापा माँ पीड़ितार नाबालिका पीड़ितार परिवार लोक अभियोग आधार में 506 448 354 पोस्को आर्ट लगी तो निश्चित भाव में पुलिस हाथ बर्तमान सुधा खाली रही गोटे सभ्य समाज निवेदित दाबी करुच्ची अभियुक्त रही अभिमन्यु भूं कि भाव में कठोर कठोर कार्यानुष्ठान दिजिव विरोध में किभली भाव कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करा दंड विधान करा फल गोटे उदाहरण पलट आज जुवपीढ़ी जो मैंने भाया कम करने पूर्व आलोक आप कहते कठोर दंड विधान आवश्यकता रही हुए तो एभली जदि दंड विधान करा जाए जी अभियुक्त जी कांड घटाउछंती से 100 थर चिंता करिबे एभली किछि कार्य करबा पूर्वरु अनेक बार चिंता करिबे एवं होय त एभली चिंताधारा आसीबा द्वारा होय त ए घटना परे ब्रेक लगा जाई परिबो आलोक बहुत बहुत धन्यवाद आपणक तमाम अपडेट पाई आम पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष ए बाबद रे आम सहित आलोचना करथिले तबे दर्शक बंधु वर्तमान समय रे जे अपडेट अछि आम पाखरे त जणै देबा पई चाहिबी जे वर्तमान जा गोप पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुछि आ सहित जा गुरुदायित्व दिया जाइछि तदंत दृष्टि रे एसपी को तत्वावधान रे पूरा पर्याय अर्थात तदंत प्रक्रिया चलीछि घटना को पाखापाखी 72 घंटा बीतीगलानी गत 14 तारीख रविवार रो घटना 17 तारीख होय गला तबे कार्यानुष्ठान केवल एही पर्यंत जाइछि जे बापा मां को पुलिस ताकि पचरा उचरा करछि जेहेतु पीड़िता प्रतिक्रिया जहाँ सामना को आसूँ जहाँ बयान सामना को आसूँ जे परिवार लोकों अवगत में सब घटना हो बस प्रश्न आसूची जे अभिमन्यु भूं आज अभियुक्त निकट में पुलिस केबे पहुंचुची एवं कौन कार्यानुष्ठान आगे होगी तेज समय सरी बिग ब्रेकिंग को रखुचु नमस्कार।